ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਨੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਵਾਸਤਾ ਆਓ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਵਾਲਾ ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਨੀ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਵਾਲਾ ਨੀ ਨਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੀ ਮੇਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਪੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ जलेबी का ट्रेलर देखा था पोस्टर देखा था उसके बाद हम मैं मेरी फिल्म के प्रीमियर पे मैंने देखा था रिया को हैप्पी फिर बात जाएंगे तो जब हम प्लान कर रहे थे वीडियो का तो सोचा कि कोई फेमस एक्ट्रेस लेना चाहते हैं बॉलीवुड से तो फिर जब डिस्कशन हुई हमारी आपस में मेरी और डायरेक्टर की और राज पाजी की यहाँ पे तो फिर मैंने बोला रिया ठीक है रिया करते हैं यार जस्सी की स्माइल देखी है आपने और कैसे डांस करता है कैसे गाना गाता है इसके कितने फैंस हैं मैं प्रिविलेज्ड हूँ मैं उसके इतने पास बैठी हूँ लोग बहुत पागल हैं जस्सी के पीछे आपको पता नहीं है मेरे इंस्टाग्राम का हाल ही बदल गया जब से जस्सी ने मुझे टैग किया है गाने में पीपल आर ऑब्सेस्ड उसकी वजह से मुझे फॉलोअर्स मिल रहे तो मैं तो जस्सी के साथ कोई भी गाना और कुछ भी शूट करने को तैयार हूँ और वही एक स्टेप बड़ा अच्छा करता है वो वीडियो में आप देखना बड़ा अच्छा किया बड़ा मजा आया देख के ऐसे ही थी बस फनी तो ये थी कि जब हम शूट कर रहे थे उस दिन भी बहुत ज्यादा हो गया था कि लेट हो गए थे हम शुरू करते करते बट एक फनी चीज थी एक्चुअली वो एक आइसक्रीम का शॉट है मेरा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग शॉट है तो उसके चक्कर में मैंने दो चार आइसक्रीम गिराई और जो हमारे एक लाइटमैन थे उन्होंने गिरी हुई आइसक्रीम उठा के खा ली मुझे नहीं पता हाँ, थोड़ी थोड़ी पहुंच के उनसे वेस्ट थोड़ी करनी कैसे पहुंची ऐसे थोड़ी पहुंची नहीं नहीं बस ऐसे हाथ से ही निकाल दिया उन खा लिया मैंने कहा ये सही है ऑस्ट्रेलिया में गया था ऐसी टूरिस्ट वीजा पे मैं वहां पे कुछ काम करने या सोच के नहीं गया था कि मैंने यहाँ से वो तो मैं ऐसी तुक्का लग गया मेरा टूरिस्ट वीज़ा लग गया बट मैं वहाँ पे थोड़ा मैंने 3 महीने थोड़ा काम किया वहाँ पे और जो वहाँ से पैसे बनाए मैंने वो ला के अपनी एल्बम पे फर्स्ट एल्बम पे लगाए वहाँ पे और मुझे लगता है वो आज तक घूम रहे हैं वही मैं ये बोलता हूँ हमेशा कि वो आज तक घूम रहे हैं और वहाँ से शुरू हुआ एल्बम की एल्बम करने के बाद पहली की दूसरी की दूसरी के बाद दूसरी का एल्बम का गाना थोड़ा सा अच्छा चला गया और इससे पता चलना शुरू हुआ कि जस्सी गिल नाम का भी बंदा है तो फिर उसकी वीडियो से देख के मुझे पंजाबी फिल्म ऑफर हो गई वो बोले कि फिल्म करनी है मैंने बोला मुझे एक्टिंग नहीं आती बोले जो आपने गाने में किया वो एक्टिंग है वही करना है तो वहाँ से करते करते मैंने 3-4 पंजाबी फिल्म्स की फिर अभी तो 4-5-6-7 फिल्में हो गई हैं पंजाबी फिल्में मेरी और फिर एक दिन मुझे फ़ोन आया मुंबई से मुझे कलर येलो के ऑफिस से फ़ोन आया कि जस्सी गिल को मुदस्सर अजीज़ डायरेक्टर हैं वो मिलना चाहते हैं कुछ किसी प्रोजेक्ट के बारे में मिलना तब तक मेरे दिमाग में यह था कि गाने के बारे में मिलना होगा तो मैं आया मिलने तो उन्होंने मुझे बताया कि वो फिल्म सोच रहे हैं हैप्पी फिर भाग जाएगी और जिसमें उन्होंने पहले मुझे बोला कि मैंने तेरा गाना देखा था नखरे मेरा गाना था नखरे उसमें जो करेक्टर था मेरा वो बिल्कुल फिल्म के करेक्टर जैसा था मतलब उन्होंने बोला कि मैंने वो बंदा देखा और मुझे वैसा ही बंदा चाहिए तो इंटरेस्टेड है या कर सकता है मेरा कर सकता हूँ तो उन्होंने एक स्क्रीन टेस्ट लिया मेरा और उसके बाद फाइनल हो गया फिर मुझे बताया गया कि तेरे साथ फिल्म में डायना अली सोनाक्षी सिन्हा जिमी पाजी मुझे तो लॉटरी लगी और क्या चाहिए मैंने एक दो बार ऐसे ही बता दिया और मेरे घर जाते ही फोन आया क्या क्यों बता गया है इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं बट हाँ बताना नहीं होता नहीं होता हाँ मुझे बोला नहीं है मैं नहीं बताऊंगा कंगना मेरी वाइफ है फिल्म में और मैं उनका हस्बैंड शादी का बड़ा शौक है आपको ये नहीं फिल्म बहुत अच्छी है मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म के लिए और मुझे लगता है कि ये फिल्म में जो मेरा काम है वो भी बहुत खुल के दिखेगा क्योंकि इसको इस फिल्म में करने के लिए बहुत कुछ था और अपनी जोन से बाहर निकल के करने को था और इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है कंगना जी नीना जी और सब हैं ऋचा
और अश्वनी मैम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। हाय, मैं हूँ जस्सी गिल। और मैं हूँ रिया चक्रवर्ती। और हमारा गाना रिलीज़ हुआ है सुरमा काला टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, आप जाके चेक कीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए टी सीरीज़ को भी और सिनेब्लिट्स को भी।